हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है अमेरिकी शक्ति का परिवर्तनशील स्वरूप। तो ये MPA 02 का ही एक अगला चैप्टर है आपका, और इसमें भी हमने जो अमेरिका शक्ति उभरी थी शीत युद्ध के बाद, ये हुआ था शीत युद्ध का जब अंत हो गया था उसके बाद अमेरिका शक्ति का उदय हुआ। और जो है इस बुक में आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो बुक है इसमें कई बार शीत युद्ध का यहाँ पे वर्णन किया गया है और शीत युद्ध पे कई चैप्टर हैं। तो उसके ही आगे शीत युद्ध के अंत के बाद जब अमेरिका की शक्ति का जो है यहाँ पे उदय हुआ उसके बारे में ये पूरा आपका जो है बताया गया है। मतलब शीत युद्ध के बारे में हमने पढ़ लिया था, अब इस वीडियो में हम जानेंगे अमेरिकी शक्ति का उसके बाद क्या स्वरूप था, क्या जो है अमेरिका शक्ति कैसे उभरी थी। और तो स्टूडेंट्स, मैं MPA 02 के जो है सभी चैप्टर्स अपने वीडियोस पर जो है मतलब इस चैप्टर्स की जो भी वीडियोस होंगी, लेक्चर्स वीडियोस माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन पर जो है डालती रहूँगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल से अगर सब्सक्राइब कर दें और आप हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपको जो है MA पॉलिटिकल साइंस के सारे ही चैप्टर्स जो है मिलते रहेंगे यहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अमेरिका शक्ति का परिवर्तनशील स्वरूप कैसा था। तो इस लेक्चर वीडियो में अब हम आगे से देखेंगे शीत युद्ध में क्या हुआ था। मैं पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल कर देती हूँ। यहाँ पे शीत युद्ध के टाइम पे दो महाशक्तियाँ थी, एक तरफ अमेरिकी गुट और एक तरफ सोवियत संघ। तो सोवियत संघ का जब पतन हो गया था उसके मैंने आपको जो है इस पर लास्ट वीडियो उस पर बनाई थी, जिसमें सोवियत संघ का जो है कुछ कारणों की वजह से, उसके निजी कारणों की वजह से उसका पतन हो गया था। मतलब वो हार गया था, पराजित हो गया था, और एक महाशक्ति बची थी देश में जो थी अमेरिका। तो अमेरिका यहाँ पे फिर अकेली शक्ति रह गई थी पूरे देश में, और जो है ये काफ़ी शक्तिशाली थी। और कैसे इसका आगे जो है इसने अपना वर्चस्व चलाया पूरे देश में, अब अमेरिका रह गई थी। तो उसके आगे से जो है अब हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो शीत युद्ध का अंत जो है 1980 और 1989 में हो चुका था। 1980 में जो है यहाँ पे शीत युद्ध का अंत होना शुरू हो गया था, ये 1980 के लास्ट के दशक में। और 1989 में जो है सोवियत संघ और अमेरिका ने ये घोषणा कर दी थी कि हम जो है शीत युद्ध अब ख़त्म कर रहे हैं, और जो है शीत युद्ध यहाँ पे पूरा अंत हो गया था शीत युद्ध का। फिर एक शक्ति बची थी जो थी अमेरिका, और अमेरिका ने जो है इसको पूरा जो है विश्व में आगे लेकर गया था अपनी शक्ति को। और तो पहला आपका जो बुक के हिसाब से अगर आपका देखें तो आपका ये टॉपिक था शीत युद्ध का अंत। तो शीत युद्ध के अंत मैंने आपको बता दिया कि दो महाशक्तियाँ थी और जो है सोवियत संघ के जो है विघटन हो गया था, फिर एक महाशक्ति बची थी। 1989 में जो है शीत युद्ध का अंत हुआ, उसके बाद अमेरिका आया। फिर उसके बाद आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से जो है ये प्रभावी था काफ़ी अमेरिका। अमेरिका जो है सभी क्षेत्रों में अगर हम उसको देखें, चाहे हम जो है इकोनॉमिक की बात करें या फिर सांस्कृतिक, राजनीतिक या पॉलिटिक्स में, मतलब अगर हम बात करें तो हर रूप से जो है अमेरिका काफ़ी शक्तिशाली था, काफ़ी बड़ी ताकत था वो। और जो है अमेरिका के पास, मतलब अगर हम उसके सैनिक हथियारों की बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर उस टाइम पे सैनिक अधिकार किसी के पास थे तो वो अमेरिका था। और जो है अगर पॉलिटिकल सम पावर की बात करें, सबसे ज़्यादा राजनीतिक शक्ति अगर किसी के पास थी तो वो भी अमेरिका था। और जो है ये सांस्कृतिक रूप से भी इसने काफ़ी प्रभाव डाला था लोगों से, मतलब कि ये जो करता था, जो भी संस्कृति को अपनाता था और जो भी भाषा बोलता था उसका जो है काफ़ी प्रभाव लोगों पे देखने को मिला था, क्योंकि ये काफ़ी प्रभावी था और लोग जो हैं, इसकी एक विकसित देश था तो लोग इसको फॉलो करते थे। तो और ये आज भी देखा जाता है अमेरिका की चीज़ों को जो है हम अपनाते हैं, अमेरिका जो भी मतलब उसकी भाषा है, जैसे अगर हम जो है उसको अपनाते हैं यहाँ पे भी, उसकी जो भी उसका खान पीन है वो हमारे देश में भी हमें देखने को मिलता है। तो अमेरिका कैसे एक महाशक्ति बना, कैसे मतलब जो है इसका शक्ति में जो है परिवर्तन आया। पहले तो क्योंकि ये सोवियत संघ के साथ था, पर उसके बाद जो है इसकी शक्ति को कहाँ से जो है एक नया मोड़ मिला था, तो वो था अमेरिका गृह युद्ध। अमेरिका गृह युद्ध काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो गृह युद्ध पहले हम जानेंगे, गृह युद्ध के बाद से ही उससे क्या हुआ, अमेरिका की ताकत यहाँ पे काफ़ी बढ़ गई थी। तो यहाँ पे दो राज्य थे, दक्षिण राज्य अमेरिका जो कि जो है इसे परिसंघ राज्य अमेरिका कहा जाता था,
मतलब कि अमेरिका के अंदर ही यहाँ पे दो भाग बन चुके थे, एक था दक्षिणी राज्य अमेरिका और एक था उत्तरी अमेरिका। उत्तरी राज्य अमेरिका में जो है दास प्रथा यहाँ पे जो है काफ़ी प्रचलित थी। दास प्रथा क्या होती थी, जो गोरे काले की जो भी भेदभाव किया जाता था उनके साथ, उसे कहते थे दास प्रथा। अगर जो भी जैसे काले लोग होते थे वहाँ पे उन लोगों को ग़ुलाम बना लिया जाता था और उनसे दासों की तरह जो है नौकरों की तरह काम करवाया जाता था, इसलिए इसको कहा गया था दास प्रथा। तो यहाँ पे दक्षिणी राज्य के जो लोग थे वो दास प्रथा में विश्वास रखते थे। वो कहते थे जो भी अश्वेत लोग होते हैं, काले लोग होते हैं, उनको हमें जो है उनको दबाना चाहिए या फिर उसके ऊपर हम अपना अधिकार कर लें और उनसे जो है अपना सारा काम करवाएं। तो ये उत्तर अमेरिका जो था, पर मतलब अमेरिका ही का ही एक दूसरा भाग था उत्तर अमेरिका, वो क्या कहता था इसमें, वो राज्य अमेरिका में दास प्रथा को मानवता पर कलंक के रूप में देखता था कि ये तो मानवता पर कलंक है, यानी कि ये मानव के लिए एक जो है काफ़ी यहाँ पे ठेस पहुँचाई जाएगी अगर हम ऐसा कार्य करेंगे और जो है हम अश्वेत लोग जो हैं उसके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो ये मानवता पर जो है एक कलंक होगा। पर दक्षिणी लोग इसको क्या है, इसको बढ़ावा देना चाहते थे और मतलब उन्होंने इसको दक्षिणी राज्य अमेरिका जो है, परिसंघ राज्य अमेरिका कहा जाता है जिसे, वो एक अपना अलग राज्य बनाने की यहाँ पे मांग कर रहे थे, जिसमें वो अश्वेतों को दबाना चाहते थे और उन्हें गुलाम बनाना चाहते थे। तो काफ़ी लंबे टाइम तक ये युद्ध चला था और जो है लास्ट में उत्तर अमेरिका की विजय हुई थी, यानी कि जो है दास प्रथा का यहाँ पे पूरी तरह अंत हो गया था। दक्षिण अमेरिका इसको आगे ले जाना चाहता था पर उत्तरी अमेरिका ने क्या किया था, इसको ख़त्म कर दिया था। काफ़ी जो है विरोध इसका किया गया और जो है यहाँ पे 6 लाख से भी अधिक अमेरिका सैनिक यहाँ पे मारे गए थे। पर जो है अमेरिका जो है इसके बाद उसने जब इस प्रथा को ख़त्म कर दिया तो काफ़ी जो है लोगों के बीच भी उसके लिए मतलब जो है स्नेह बढ़ा अमेरिका के प्रति। तो अमेरिका जो है एक महाशक्ति के रूप में उभरा यहाँ पे, क्योंकि उसने काफ़ी लोगों को जो है यहाँ पे मानवता पे जो भी उनके ठेस पहुँचाई जा रही थी उससे बचाया था और जो है उसने जो है यहाँ पे पूरा अमेरिका गृह युद्ध जो है उत्तरी अमेरिका ने इसको जिता लिया था। तो इसका अंत ऐसे कुछ हुआ था कि दक्षिणी अमेरिका के लोग भी इसके बाद में इसमें हार मान गए थे और उत्तरी अमेरिका के साथ ही वो शामिल हो गए थे। तो जो है अब अमेरिका और भी शक्तिशाली हो गया था क्योंकि उसके साथ दक्षिणी राज्य भी अब उसके अंडर में ही आ गया था। तो इसलिए यहाँ पे अमेरिका जब गृह युद्ध ख़त्म हुआ उसके बाद अमेरिका एक जो है महाशक्ति बन गया था। तो गृह युद्ध ये किस तरह हुआ और जो है क्या इसका मुद्दा था, क्या इसका मोटिव था और क्या इसमें जो है आउटपुट निकला, ये आपको याद रखना है। और जो है गृह युद्ध के बाद ही जो है अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर गया था। इसके बाद हम देखेंगे कि जो है अगर अमेरिका अब एक महाशक्ति बन गया तो उसके क्या ऐसी ताकतें थी, क्या इसके पास, जिसके वजह से लोग इससे प्रभावित होते थे। और यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के क्या प्रयास थे। इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं क्योंकि वो एक अलग ही ताकत बन गया था, अलग चीज़ें उसके पास होती थी जो कि अलग राष्ट्रों के पास नहीं होती थी, इस वजह से जो है वो साम्यवाद को बढ़ाने से भी यहाँ पे रोक पा रहा था। तो एक ध्रुवीय विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया था अब अमेरिका और इसके बाद जो है एकमात्र सैन्य शक्ति थी, यानी कि अगर सैन्य शक्ति की हम बात करें मतलब ज़्यादा हथियारों की और जो बम बारी होती है, सबसे ज़्यादा इसका अधिकार या सबसे ज़्यादा इसकी ताकत अमेरिका के पास थी इस टाइम पे और जो है ये देश में इस वजह से शक्तिशाली था। मतलब ये सब मैं आपको कारण बता रही हूँ कि किस वजह से जो है अमेरिका एक शक्तिशाली राज्य था। सैन्य शक्ति का भंडार सबसे पहले जो है अमेरिका के पास था, सारे ही जितने भी हथियार होते थे अमेरिका ने उस पर जो है अपना अधिकार जमा लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है सोवियत संघ की आर्थिक विफलताएँ इसका कारण बनी। अब जो अमेरिका एक महाशक्ति है वो इस वजह से भी है क्योंकि सोवियत संघ जो है अपना कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाया था, उसकी आर्थिक विफलताएं जो थी यानी कि जो आर्थिक रूप से वो नहीं कर पाया था, उसकी जो भी कमियां थी,
तो ये उस अमेरिका को बढ़ावा देती हैं एक महाशक्ति बनने के लिए। यानी कि सोवियत संघ में क्या हुआ था, उतने जो है डेवलपमेंट नहीं कर पाया था अपनी जितनी अच्छी, मतलब वहाँ के सोवियत संघ के उस टाइम पे नेता थे गोबाचार्य जी, वो काफ़ी जो है स्नेह की और जो है सबको साथ लेके चलने की बात करते थे, जिस वजह से वो क्या वहाँ पे सोवियत संघ में अपना विकास नहीं कर पाए थे। तो गोबाचार्य जी की यहाँ पे नीतियाँ काफ़ी फेल हो चुकी थी और जो है यहाँ पे आर्थिक विफलताओं का अगर हम कारण माने तो वो गोबाचार्य की नीतियाँ ही थी, और इस वजह से जो है इन्होंने अपनी जो है शक्तियाँ कम हो गई और इनका सोवियत संघ जो है विघटन हो गया और अमेरिका यहाँ पे क्या एक नई शक्ति के रूप में उभरा था। उसके बाद हम देखते हैं आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से ये प्रभावी है काफ़ी, यानी कि अमेरिका के पास जो भी पॉलिटिकल्स पावर अगर हम बात करें और सांस्कृतिक रूप से अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावी है जिसकी संस्कृति चलती है और भाषा जो पूरे देश में जो है अपनाई जाती है, तो सबसे प्रभावी यहाँ पे अमेरिका था ऐसा देश जिसके पास सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल्स पावर थी और सांस्कृतिक रूप से भी जो है ये काफ़ी प्रभावी बना था। उसके बाद अगर हम देखें ग्रह पर कृषि योग्य भूमि का सबसे बड़ा टुकड़ा है ये, मतलब हमारे पूरे ग्रह पे हमारी पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा खेती करने योग्य अगर कोई कहीं भूमि है तो अमेरिका के अंदर है। और उसके बाद जो है इसके पास तेल का और जो प्राकृतिक गैस होती है सबसे ज़्यादा भंडार अमेरिका के पास था इसका, इस वजह से जो है इसको एक महाशक्ति के रूप में देखा जाता है। और पूरी दुनिया में जो ये है अपनी जो भी देश होते हैं जितने भी देश हैं उनको ये मिलाकर चलता था, मतलब किसी भी देश पे अगर कोई भी खतरा आता था तो सबसे पहले अमेरिका क्या करता था उसको उसके खतरे को टाल कर वो सोचता था कि मैं उसके जो है खतरे को आसानी से टाल दूंगा क्योंकि अमेरिका के पास तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा शक्ति थी, और उसके बाद वो सोचता था कि इसके खतरे को टाल के मैं इस देश को अपने अंदर शामिल कर लूँगा, जिस वजह से जो है अमेरिका की शक्तियाँ यहाँ पर काफ़ी प्रभावी हुई और सभी राष्ट्र जो है इससे प्रभावित हुए। जब राष्ट्र पे कोई भी संकट आता था कुछ भी परेशानी होती थी तो वो सबसे पहले अमेरिका के पास जाती थी क्योंकि उन्हें पता था कि अमेरिका एक बहुत बड़ी जो है सैन्य शक्ति है और जो है कृषि भूमि भी जो है अमेरिका में ही है, तो हमारे पास किसी भी चीज़ की मतलब अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले जो है अमेरिका को ही हम जो है एक महाशक्ति के रूप में देखेंगे और उसके पास अब जो है हम मदद के लिए जा सकते हैं। तो इस वजह से अमेरिका जो है एक महाशक्ति यहाँ पे बन गया था और ये उसके कारण थे महाशक्ति बनने के। अगर आपसे ये पूछा जाता है महाशक्ति बनने के अमेरिका के क्या कारण थे तो इसमें आप बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सैन्य शक्ति उसके पास थी और कृषि भूमि हमेशा अमेरिका में मिलती है सबसे ज़्यादा, और जो है सोवियत संघ का जो विघटन हुआ शीत युद्ध का जब अंत हुआ तो एक ही शक्ति जो है वर्ल्ड में अब रह गई थी वो थी अमेरिका, और उसी की जो है इमेज पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिली फिर उसके बाद। तो ये था अमेरिका का उदय यहाँ पे हुआ और उसके बाद जो है एकमात्र शक्ति वो बन गया। तो आज के इस चैप्टर में इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आपको अगर ऐसे कुछ भी डाउट्स होता है चैप्टर से रिलेटिव या फिर आपको कुछ भी चीज़ें जो होती है आपको कुछ और ऐड करवानी है या इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आप इसके चाहते हैं, मतलब मैंने ये पूरा चैप्टर वैसे तो आपका इंपॉर्टेंस क्वेश्चन ऐड करके ही बनाया है, अगर आपसे मतलब जो भी इंपॉर्टेंस चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड पूछी जाएंगी उसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर है, मतलब जो भी मैंने टॉपिक्स उठाए हैं यहाँ पे ग्रह युद्ध इसके ऊपर क्वेश्चन आपका बन सकता है, और यहाँ पे एक ध्रुवीय महाशक्ति क्यों थी अमेरिका ये बहुत बार पूछा जाता है ट्वेल्थ में भी और एमए के स्टूडेंट्स के लिए भी जो है ये मैंने चैप्टर बनाया है, तो सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। फिर भी अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंस इसमें ऐड करना आना चाहते हैं आप या फिर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आप जो है आप चाहते हैं इसके नोट्स तैयार आपके लिए किए जाएं तो आप जो है ऐसे हमें कमेंट करके इसके बारे में बता सकते हैं, और अगर नेक्स्ट वीडियो आपको कोई और टॉपिक पर चाहिए होती है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।